बिस्मिल्कमान रहीम तो वी आर द एडवांस लेवल स्ट्रेटजीज जिसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस भी हमने स्ट्रेटजीज देखी थी आज हम उनकी एक नई चेन की हम बात करेंगे कि हाउ दे आर बीइंग वैल्यूड हाउ दे आर बीइंग कैलकुलेटेड टॉपिक इज बाइनोमियल मॉडल व्हेन वी से बाय दैट रेफर्स टू टू तो अभी टू की क्या इम्प्लीकेशन है वो अभी हम इसमें देखते हैं द ब्लैक शोल्स एंड द बाइनोमियल ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल सो नाउ यू सी द फुल नेम इज़ बायनोमीअल ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल जो ब्लैक शोल्स है ये भी ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल है और बायोनोमीअल के थ्रू भी हम ऑप्शनस को वैल्यू करते हैं जो भी तक हम ऑप्शन डिफरेंट देखते आ रहे थे कि जी कॉल ऑप्शन इतने की मिल रही है पुट ऑप्शन इतने की मिल रही है तो उनकी वैल्यू बनती कैसे है तो दीज आर वन ऑफ द मैथड्स जिसके थ्रू उनकी वैल्यूएशन होती है तो ये दोनों ही यूज़ होते हैं इनके दोनों के अपने एडवाटेजेज़ और डिसएडवानजे फैक्टर्स हैं सम ऑफ द बेसिक एडवाटेज ऑफ यूजिंग बायोनोमीयल आर मल्टी पीरियड व्यू क्या आप चेन व्यू देख सकते हैं कि एक साल दो साल तीन साल में क्या होगा या आप शॉर्ट पीरियड्स भी हैं तो मल्टीपल पीरियड्स को कैप्चर कर सकता है ये ट्रांसपेरेंसी है क्लियरली आपके पास बात होता है और एबिलिटी टू इनकॉपरेट प्रोबेबिलिटी को ये इजीली इनकॉपरेट कर लेता है तो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द बाइनोमियल मॉडल इसकी जमशन क्या हैं कि इट्स बेस्ड ऑन एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एफिशिएंट मार्केट्स एफिशिएंट ये इसकी एग्जम्पन है कि उस पर यह लेके चल रहा होता है यानी कि बहुत ज़्यादा जो है इन एफिशंसीज एग्जिस्ट नहीं कहती दे एग्जिस्ट ओनली टू ऑप्शन पॉसिबल प्राइस फॉर फोर्थ कमिंग पीरियड या मतलब अब ये कोई मल्टीपल चेन नहीं है दो ही ऑप्शन हैं प्राइस इसी इसको बायो जो टू के वर्ड हम कहते हैं तो ये दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल ये इसकी एक मेन है द टू प्राइसिस आर द वन रियलाइज एन अपटिक और ke do दो मूवमेंट उसमें पॉसिबल ek एक अपटे है और एक डाउन टिक है तो ये दोनों उसकी रिफ्लेक्शन है आर्बिट्राज की पॉसिबिलिटी नहीं है यानी कि फेयर प्राइसिंग हो रही है और एफिशिएंट मार्केट भी उसकी बात ही कर रही होती हैं तो इसकी मेन एजम्पन में भी यही पार्ट है द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स अनचेंज तो ये एक बेसिक एक्जम्पन ली जाती है एक्चुअली जब मार्केट्स में तो उनको इनकोऑपरेट कर लेते हैं बट फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ये एक एजम्पन ली जाती है इन्वेस्टर्स आर रिस्क न्यूट्रल बहुत ज़्यादा रिस्क लविंग नहीं है या बहुत ज़्यादा रिस्क कॉशियस लोग नहीं है न्यूट्रल लेवल के हैं इस बेस पे ये मार्केट्स वर्क करती हैं और ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर एजम्पन है कि अभी नहीं है ये बेसिकली इसकी मेन एजम्पन है जिस ये लेके चल रहा होता है यूज ऑफ बाइनॉमियल इन एडिशन टू इट्स यूज एज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑप्शन ये ऑप्शन तो में तो इस्तेमाल होता ही है लेकिन देर आर मैनी अदर वेज इन विच दिस बाइनोमियल थिंग कैन बी यूज जैसे कि प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं कि हमें प्रोजेक्ट्स को किस जब वहाँ पर स्पेसिफिकली जब अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाता है तो वहाँ पे ये इसको यूज़ किया जाता है एनालिसिस करने के लिए कैपिटल बजटिंग में रिसोर्स एलोकेशन में के और जब जहाँ पे स्प्रेड आउट हो बिटवीन पीरियड्स तो वहाँ पर इसकी यूटिलाइजेशन काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखी जाती वन सिंपल एग्जाम्पल इज अ प्रोजेक्ट दैट इनटेल्स ड्रिलिंग ऑफ ऑयल जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा जी कि ये ऑयल एंड गैस कंपनी है वो जी डी सी है या पाकिस्तान पेट्रोलियम है इनका क्या काम है ड्रिल करते हैं ऑयल सर्च करते हैं अब एक जगह ये ड्रिल कर रहे हैं तो दो आउटकम है या ऑयल होगा या नहीं होगा ओके okay, ये एक चेन बन गई फिर लेट सपोज ऑयल है तो फिर सर्टन लेवल से ज़्यादा है या सर्टन लेवल से कम है तो दीज आर द ऑप्शन ट्रीज जो कि इसका एक बन सरता है तो ये जो है इसकी यूटिलाइजेशन प्रोजेक्ट्स में जो है कैपिटल बजटिंग में बड़ी फ्रीक्वेंटली हो रही होती है द अमाउंट ऑफ ऑयल दैट कैन बी ड्रिल्ड अब पहली बात तो थी कि है कि नहीं ऑयल अगर है तो कितना आप उसको ड्रिल आउट कर भी सकते हैं कि नहीं कितना कर सकते हैं और उसकी जो वर्थ होगी क्या होगी हाउ मच विल गेन आउट ऑफ इट तो बाइनोमियल ऑप्शन मॉडल कैन असिस्ट इन मेकिंग डिसीजन एट ईच पॉइंट ऑफ ऑयल तो ये बाइनोमियल मॉडल आपको हर पॉइंट पे आपको वो प्रेजेंट कर देता है कि जी यहाँ ये यही ऑप्शन है आप इसमें से भी डिसाइड करें कि वट वी गोइंग टू वर्क ऑन इट इसको हम थोड़ा सा लेके फर्दर कॉन्टिन्यू करेंगे तो मेक श्योर वी गेट द बेसिक्स ऑफ वट द बाइनोमियल मॉडल इज थैंक यू